मध्य प्रदेश में अपनी लंबित 19 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए सरपंच यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर आप देखिए सीएम हाउस की ओर रवाना हो रहे थे। यहां उससे पहले उन्हें रास्ते में पुलिस ने रोक लिया और बैरिकेड्स लगाकर यहां पर सभी सरपंचों को रोका गया है और इनकी यही मांग है कि उन्हें सीएम से मिलने दिया जाए या उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलने दिया जाए ताकि वो अपनी बात जो है सीएम के सामने रख सकें, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, आप लोग ये पूरा ज्ञापन लेकर आए हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में सरपंच है, क्या है मुख्य मांगे आप लोग की? मुख्य मांग हमारी सबसे बड़ी तो ये है, 1/7 को 1 जुलाई को एक आदेश मनरेगा में हुआ है, उस आदेश को निरस्त कराना है। दूसरी मांग है कि इन्होंने एक लेटर बहुत पहले भेजा था कि जिसमें 20 काम से ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उस पर भी हमने रोक हटाने के लिए मांग रखी है। तीसरा, हमारा जो है काम दिन रात हम बराबर काम करते हैं, वो हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, तो एक पंचायत का कोष बनाने के लिए कहा है, किसी गरीब के झोपड़ी में आग लग जाए तो तत्काल उसे 10,000 की राहत पंचायत से दी जा सके, या बाढ़ रात में कोई या प्राकृतिक आपदा कोई खड़ी हो जाए तो 10,000 रुपये तक हम तत्काल आर्थिक फैसले भी सरपंच ले सके। हाँ, और उसके लिए जैसे सुबह हमने अगर उसको मदद दे दी या रात में दे दी, सुबह हम उसे निकाल करके संबंधित पटवारी और ग्राम सभा में अनुमोदन करके उस पैसे को निकाल सके। कहते अभी तो हमने जेब से दे दिया तो सचिव निकाले या ना निकाले और साइट चली या ना चली तो वो तो पैसा सरपंच की जेब से ही जाता है। तो ये मांग ये रखी है, खेत सड़क की मांग रखी है कि गाँव में हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आय दुगनी करेंगे किसानों की, कहाँ से हो जाएगी कि अगर किसी ने दूसरी फसल कर दी और बाड़ लगा दी तो ट्रैक्टर ही नहीं जा सकता है, तो जुताई नहीं होगी तो उसका खेत तो रह गया ना, तो इसलिए खेत सड़क की योजना को भी हमने कहा है कि प्रत्येक पंचायत में 2 खेत सड़क की योजना भी दी जाए। एक इन्होंने 15वें वित्त हमारी जो राशि मिलती थी और 5वें वित्त की, वो राशि पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, उसे भी स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ा है, उसमें भी हमें जनपद सीओ टारगेट करता है, टीएस के लिए हम मारे मारे फिरते हैं सभी सरपंच, इसलिए उसमें भी हमने कहा है कि संशोधित कर दिया जाए नियम में। तो ये ऐसी मांगों को लेकर के हम लोग आपसे भी जान लेते हैं, आपको क्या लगता है कि सरपंचों को और क्या अधिकार मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पाए? सर, मैं 94 से सरपंच था, पंचायती राज व्यवस्था को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। 93 संविधान संशोधन में पहले हम लोगों को 18 विभाग हमारे अधीनस्थ थे, आंगनवाड़ी सचिव, रोजगार सहायक, स्थानीय कर्मचारियों की और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हम लोग करते थे। ये सब अधिकार सरकार ने धीरे धीरे हम लोगों से छीन लिया है। हम लोग ग्राम सभा जो पंचायती राज जमीनी स्तर पर जो हम लोग काम करते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी का सपना था कि जब तक ग्राम सभा नहीं मजबूत होगी तब तक भारत में राम राज्य नहीं आएगा। ये आदेशों से हम लोगों को संविधान में जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को एडिशनल आदेश जारी कर करके हमारे अधिकारों को रोक दिया गया है, जिससे पंचायतें लगड़ी हो रही हैं, जबकि संविधान में हमें वो अधिकार प्राप्त हैं। हमारी मूल मांग है कि 93 संविधान संशोधन में जो हमको अधिकार मिले थे वो पुनः लागू किए जाएं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पंचायतों को मजबूत करने की बात की जा रही है, तो कैसे मजबूत होंगी पंचायतें? सर, देखिए, महात्मा गांधी का जो सपना था जैसे भैया जी ने बताया, वो चीज़ जो पूरी तरह से छीन लिया है। पंचायत से किसी प्रकार से कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ना कि किसी प्रकार, जैसे आपातकालीन व्यवस्था, किसी के अगर बीमार है कोई, किसी का कोई परेशानी है, उसमें एक भी को सपन नहीं दे पा रहे हैं, तो पुनः जो है पूरी तरह से अधिकार को छीन लिया गया। 93 संविधान संशोधन का जो स्थिति थी उसको पुनः लागू किया जाए, हम ये मांग कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप लोग ने ये बात सरकार के सामने रखी कि हमारी ये मांगे हैं इसको पूरा किया? नहीं, ये मांग हमने बहुत रखी है, लेकिन आज दिन तक सरकार नहीं सुनी और धीरे धीरे पूरे पंचायती राज को खत्म किया जा रहा है। अच्छा, आप लोग सीएम से मिलने जा रहे थे, यहाँ रास्ते में रोक दिया बैरिकेड्स लगाकर, क्या कहेंगे? ये प्रशासन की जो है व्यवस्था बहुत ही छोटी सरकार के खिलाफ बड़ी सरकार ने जो साजिश करी है, यदि सीएम साहब चाहते तो उन्हें पता था, 6 महीने से कई बार, और इस तारीख का भी हमने उनको 15 दिन पहले जो है ज्ञापन सौंप चुके थे। आज आके या 10 लोगों को हमारा बुला के निदान किया जा सकता था। ये तो ग्राम सरकार का, बड़ी सरकार जो है अनादर कर रही है, और इसका आने वाले समय पे, अभी तो मैंने इतना अनादर किया है, हम दोबारा से अगर यहाँ आंदोलन करेंगे और बाकी बात सीएम हाउस को घेरेंगे, अभी तैयारी नहीं, एक उनको ये नोटिस किया है कि हम लोग ने नोटिस दिया है, जिस तरीके से एक शासन प्रशासन देता है कि भाई हम लोग आने को तैयार हैं, यदि आपने
यदि वो 15 दिवस में हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो इसके बाद हम मंत्रियों के जो जैसे इनके विधायक है कोई भी पार्टी का हो चाहे मंत्री हो भोपाल में ही आएंगे और उसी के बंगले में ही हम धरना देंगे और यही फैसला हमारा होगा। तब उनको पता चलेगा कि क्या है और सीएम साहब के क्षेत्र के सीएम के हाउस में ही धरना दिलाएंगे। ये हम सरपंचों से काम करा के रहेंगे ताकि बाद इनको झुकना पड़ेगा और नहीं तो इनको आने वाले समय पे इसका जवाब जनता देगी क्योंकि जहाँ लाठी हम खाएंगे उसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए सरपंच है, सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। लंबे समय तक पहले तो सरकार के सामने बातचीत हुई लेकिन मांगे नहीं मानी, भोपाल के अम्बेडकर पार्क में प्रदर्शन किया, सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे लेकिन रास्ते में उन्हें रोक लिया। का यही कहना है 15 दिनों के अंदर अगर सरपंचों की बात को सरकार ने नहीं माना तो आगामी समय में बड़ा आंदोलन होगा और मंत्री और विधायकों के बंगले भी घेराव किए जाएंगे। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए अमरनाथ।